मैंने बहुत बार आप लोगों से कहा है कि बी सॉल्यूशन फोकस्ड. सो यहाँ पे जब हम पॉजिटिव एफर्मेशंस कहते हैं तो ये याद रखना है कि वो वर्ड आता है पॉजिटिव एफर्मेशंस, यानी उसमें नेगेटिविटी आपको निकालनी है, राइट? और बिकॉज द पॉजिटिव एफर्मेशन इज बेस्ड ऑन समथिंग नेगेटिव दैट यू डू, समथिंग दैट यू वॉन्ट टू फिक्स, सो यू कैन नॉट, इज जनरली प्रेफर्ड नॉट टू यूज दैट, बिकॉज आपके नेगेटिविटी जो आपके लाइफ में जिस चीज़ से होती है, लेट्स अज्यूम कि प्रोक्रेस्टिनेशन से होती है, ठीक है? सो इन सेइंग आई विल नॉट प्रोक्रेस्टिनेट और आई डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट, इट्स बेटर टू से दैट आई एम फोकस्ड, आई एम ऑन द टास्क, आई एम टास्क ड्रिवन, आई एम माइंडफुल. सो लेट्स ट्राई सर्टन थिंग्स, और ये आप लोगों को विथ फुल बिलीफ बोलना है, ठीक है? ऐसे नहीं आप अभी इमेजिन कीजिए, अगर से दो लोग हैं, इमेजिन दो रचनाज हैं, ठीक है? एक रचना ऐसा बोलती है आई कैन डू दिस, और दूसरी बोलती है आई कैन डू दिस. तुमको क्या लगता है कौन ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा? इमेजिन कोई ऐसे बोलते हैं आई पोजेस द स्ट्रेंथ एंड द एबिलिटी टू अकम्पलिश, या तो वो इंसान ऐसा बोलता है आई हैव द एबिलिटी द स्ट्रेंथ टू अकम्पलिश वॉट एवर आई पुट माई माइंड. टेल मी which one sounds more believable and who do you think the brain is going to listen to? So, आपको इतने में से समझ में आ गया if आप जो बोलते हो कितना important है. Suppose I, there is one Rachna who says, I cannot do this, कुछ नहीं होगा यार, पता नहीं क्या life में कितना stress हो रहा है, मैं तो नहीं कर पाऊंगी. या तो जो दूसरा इंसान ऐसा कहता है, देखा जाएगा जो होगा, मैं well prepared हूँ, I can do this, I got this. Can you see the difference in the two? It makes hell of a difference what you say to yourself. So please, apne aap ko ganda bolna, you know, criticize karna, sara time, you know, being harsh on yourself, it's not going to help you. Yes, knowing your limitations is your greatest strength. जानना चाहिए कि हमको किस एरिया में काम करना है, ये नहीं करके यू नो उसको बोलते हैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी, सब कुछ ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है, हम सबसे ऑसम है, हम सबसे ग्रेट है, वो भी नहीं करना आपको, ठीक है? आपको जानना है कि आपको कौन से एरिया में पढ़ाई करनी है, कितना आपने कौन से सब्जेक्ट में आपका वीक पॉइंट है, वहाँ किस तरह से कितना टाइम हमको लगाना है उस सब्जेक्ट को लेके, उसको सीखने के लिए हम क्या क्या कौन से डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, कौन से ऐप्स यूज़ कर सकते हैं, किससे मदद मांग सकते हैं, ये सारा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है? सो नाउ आई एम गोना जस्ट टेल यू व्हाट टू से, आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल कि कैसे बोलते हैं, सर्टन एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव एफर्मेशन. लेट्स गो. सो यू से, यू डोंट से I can do this. You say, I can do this. You don't say, I'm calm, I'm focused. You say, I'm calm, I'm focused. I'm calm, I'm focused. I can do this. I've studied hard this semester. I'm smart, I'm capable. I know this material. It's very important, अपने आप को देखकर, अपने आप में बिलीव रख के बोलो कि I'm fantastic, I am amazing, I am remarkable, I am super, I am awesome. बहुत important है अपने बारे में अच्छी चीज़ें बोलना, और जैसे जैसे आप बोलते रहोगे आप अपने आप को एक पॉजिटिव वाइब भी दोगे. पर इसका मतलब नहीं कि आपने affirmations बोल दिए और आपने intention नहीं किया. It's like saying कि मुझे फरारी चाहिए और मैं कुछ नहीं करूँगी उसके लिए, बस बैठे रहूँगी और अपने affirmations से मेरी life change होने वाली. नहीं, वो एक पार्ट ऑफ द मेंटल वेलनेस के लिए जो बोलते हैं कि माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, पर उसके लिए एक्शंस भी करनी चाहिए. आपके डेली इंटेंशंस क्या हैं, आपके एक्शन ओरिएंटेड गोल्स क्या हैं, उस पर प्लीज़ फोकस कीजिए. कि उसके बाद व्हेन यू बिगिन द डे से गुड थिंग्स टू योरसेल्फ, सेट द यू नो बोलते हैं ना सही इंटेंशन से अपना दिन स्टार्ट करो, पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने बारे में बोलो. कल का दिन कैसा गया डजंट मैटर, आज आप क्या करने वाले हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत मायने रखता है.